दारू पीना छोड़ी दो। दारू पीना छोड़ी दो, थारी इज्जत बिगड़ी जाए, इज्जत बिगड़े जगत में तो घर में भूखी नारी। भैया दारू पीना छोड़ दो, इज्जत बिगड़ी जाए, इज्जत बिगड़े जगत में घर में भूखी तेरी नारी। और सबसे संतों का सत्संग यही है कि इंसान तू सुधर, सत्संग में आए तो। यदि गुरु आप और हम सब ने किया तो हम सुधरे कहीं ना कहीं, यही सत्संग है और यही जीवन जीने का एक हमारा मार्ग है, ये रास्ता है सत्संग और गुरु। नहीं तो भले घना भागवत होनो न गणी घंटी ठोको मंदिर में न घना सत्संग होनो, कुछ होने वालो नहीं है। हम अपने आप को कहीं ना कहीं बदले तब कहीं ना कहीं बात बनेगी। नहीं तो तुम या घना अच्छा युवा भाई सुन रहा न, सुबह मांगो फाटा पे लाल सफेद खोलो मिली जाओ थार में से को खिलू में तो फिर बात। इसलिए कहीं ना कहीं हम इसको मनाए, मोको का ढूंढे बंदे मैं तेरे पास में, खोजी होई तो तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। और कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में, परंतु हमें विश्वास ही नहीं है। गंगा ने यमुना ने केदार ने ना जाने कहीं का कोई कोई तो वही मरी गया, वो भगवान नहीं मिले। मोको का ढूंढे बंदे मैं तेरे पास में, सदगुरु कबीर का प्रमाण है और ऐसे संत प्रमाण देते हैं। परंतु अपने पड़ोसी तीर जाए तो अपने बैठे जाओगे, किराया कम लागी रो बैठे जाऊ भी, भले वो हो साल को भगत है, मने 100 साल हो गया भगतपणा में। हाँ न भले भी अंदर कभी दया ही नहीं आवे जीवन में, जिसके अंदर दया प्रेम और भाव है वो सच्चा भगत है, वो सच्चा गुरुमुखी, वो सच्चा संत है। इसलिए आइए हम कहीं ना कहीं अच्छे बने, नहीं तो कहीं नहीं होनो जाने हो। बड़ी बड़ी माला और लाल सफेद कपड़ा डाल डाल फरा से कहीं होनो, टावल डाल नहीं फरा कहीं होने वालो नहीं। इसलिए दारू में दुर्मति घनी, जिके कुत्ता पीवे नहीं काग, दारू में दुर्मति घनी, जिके कुत्ता पीवे नहीं काग, जो कोई मानव दारू पिए तो सीधो नरक में जाए। भले लाखों को दान करो, महल खजाने लुटा दे तू, परंतु तूने दारू को दी अपने अंदर ग्रहण करा है तो थने कोई को भगवान भी नहीं बचे सके। तू भले दान कर दे करोड़ों को, दानी मरियो ध्यान भरोसे करोड़ों लक्ष्मी गमाई, ध्यानी मरियो ध्यान भरोसे कुछ होने वाला नहीं है। हम अपने आप को बदले तब कहीं ना कहीं हम सत्संग के प्रति सत्संग में बैठने काबिल बनेंगे। इसलिए मेरे युवा भाई आप बैठे, आप ऐसी संगति ना करें दारू की। इसलिए आइए शब्द पे ध्यान दें। और दारू के तो कुत्रों ने पिए न कागलों ने पिए, विके इंसान की गटर गटर। इसलिए कहीं ना कहीं हम भगत है तो भगत के योग बने, हम मनुष्य तो मनुष्य के योग बने के वास्तविक तू मनुष्य। और मनुष्य किसको कहते हैं? मनुष्य के अंदर दया भाव प्रेम उसे मनुष्य कहते हैं। इसलिए हो सकता हम भी कहीं ना कहीं आपसे ही सीखे हैं। इसलिए आए सदगुरु कबीर कहते हैं नशा मुक्ति शब्द। आ
अब तो मान जा रे डाकी, मन में दारू की गई जाकी। अब तो मान जा रे डाकी, मन में दारू की गई चाखी। अब तो मान जा रे मन डाकू, इस मन को सदगुरु कबीर ने और संतों ने डाकू कहा कि अब तो मान जा रे डाकी, मन में दारू की कई चाखी। और यदि थारे पीने से तो दो चार भैंस लिया ने अच्छी छाछ कर ले, देसी घी की नाड़ दे ले, एक महीना में थारी दशा और दिशा फूट जाएगा तो आको। पर दारू क्यों पिए, इसीलिए सदगुरु कबीर कहते हैं दारू की कई चाखी रे मन में दारू की कई चाखी। अब तो मान जा रे डाकी, मन में दारू की कई चाखी। अब तो मान जा रे डाकी, मन में दारू की कई चाखी। और अरे पैसा लेके बाजार जावे, दुकान गयो रे ठेका की। ए पैसा लेके बाजार जावे, दुकान गयो रे ठेका की। पैसा लेने बाजार जावे न सीधो गयो रे दादो ठेका पे। आज भी हमारे ऐसे गरीब परिवार में ऐसी स्थिति आज भी है कि जिसका मजदूर से घर चलता है, मजदूर से चूल्हा जलता है, तो वो उसकी धर्म पत्नी कहती कि भला आदमी अपन कई करा। जैसे हमारे पड़ोस में अपने राजगढ़ को बाजार है, सरदारपुर को बाजार पड़े, तो जैसे दारू वाले के बैरा कहते को भला आदमी हूं, कई लो आज को धन तोड़ू, एक काम करो कि लो तुम 1000 रुपया ले जाओ ने अपने घर की सामग्री लिया ना। तो दादे कई करियो, अरे पैसा लेके बाजार जावे, दुकान गयो रे ठेका की। और क्या होता है, पावे दूसरे काम न चाले न बाटल भरावे आखिर। मान जा रे डाकी, मन में दारू की कई चाखी। अब तू मान जा रे डाकी, मन में दारू की कई चाखी। इसलिए पांव अधि से थारे काम निचाले न बाटल भरावे आखी, और बाटल भरावे आखी तो फिर कई होई। अरे पी दारू ने नशा में हो गया, सुध बुध भूल गयो सारी। ए पी दारू ने नशा में हो गया, सुध बुध भूल गयो सारी। दारू न दादो हुईयो न सुदबुद भूलियो सारी, के घरे अड़द मंगाड़ी के मुसालो के मरस मंगाड़ी। दादो हुईयो टकाटक न टकाटक हुईयो त्या फोर लाइन कह दे नार की है फोर लाइन। मारी जे फोर लाइन तो यो करे न फोर लाइन पे जाए, और फोर लाइन से फिर आई से जाए न वहीं से भी को दादो आई जाए तो उके वहां चिपके जाए। इसलिए कहिएगा दुर्भाग्य कहिएगा ऐसी चीज को और ऐसे जीवन को, इसलिए हम ऐसा जीवन ना जिए युवा भाई आप बैठे हैं। इसलिए
घर का चोर चोर पुकार रोवे न घरे बुलावे काकी। अब तू मान जा रे डाकी मन में दारू की कई जाकी। अब तू मान जा रे डाकी मन में दारू की कई जाकी। इसलिए घर का छोरा छोरी तारा पुकार होवे न घरे बुलावे काकी। गबे तो आई जा पामणा और पामणो आई से 10-11 बजे बिल्कुल नार बनी जाएगा। क्या बनाया है के थारा हड़का बनावे। जो 8 दिन की कमाई थी वा भी तू ले गयो न भूत वही नहीं रो वही से जाने के घरे अल्लू का कट्टा रखी गयो। इसलिए ऐसा जीवन ना जिए मेरे युवा भाई। आप आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप ऐसे मार्ग पे ना जाए कि आपका परिवार बर्बाद हो जाए, आपके परिवार दुखी हो जाए, अपने आप को आप मिट जाए, ऐसा काम ना करें। इसलिए और कैसी दारू पिए हाँ? अरे कठे अंगर किन कठे पगर की कठे पागड़ी नाठी। कठे अंगर किन कठे पगर की कठे पागड़ी नाठी। इसलिए कठे अंगर की अंगर की आने की ये को कमीज और कठे पगर की आने को जूतो और कठे पागड़ी नाठी अपना कोई कोई आना। अब मैं ज्यादा क्या कहूंगा, अपने भील समाज में ऐसो भी दारू पिए कैसो कि दादा को यहाँ कमीज पड़ो है, आगे भी को जूतो पड़ो है, विका आगे भी की पागड़ी पड़ी है, न विका आगे दादो पड़ो है, ऐसी दारू पिए। इसलिए और सदगुरु कबीर यूं के तन राम को मंदिर हो साधु भाई काया राम को मंदिर। इन मंदिर की शोभा है प्यारी शोभा अजब सुंदर साधु भाई तन राम का मंदिर। यदि कहिएगा प्रिय सजनों कि ये तन राम का मंदिर है तो फिर अपने कहीं कुतरा मुतर का ऊपर। और सदगुरु कबीर और देवता लोग भी कहते हैं कि सदगुरु मुझे मनु जन्म दे दे। मनु जन्म धारण करने के लिए देवता लोग भी तरसते हैं कि मुझे मनुष्य दे दे। और अपना के मनुष्य बना दिए तो अपना कहीं कर रहा। इसलिए अरे कठे अंगर किन कठे पगर की कठे पागड़ी नाठी। दादो सुध बुध तो सब लिगन पड़ियो तो फिर कई हुई। अबे एक ने कुतरा की आदत ऐसी रे के भले ही वहा एक करोड़ की भी गाड़ी वे और विके बाथरूम करनी है तो वही एक करोड़ की गाड़ी पे बाथरूम कर देता है। तो फिर आपने भी पामना ऐसा पड़े तो फिर कई हुई। इसलिए सतगुरु कबीर यूं कहते मुंडा ऊपर कुतार मूतन करे कागड़ी बाकी। अब तो मान जा रे डाकी मन में दारू की आई जाकी। अब तो मान जा रे डाकी मन में दारू की आई जाकी। थारा मुंडा ऊपर कुतरा मुतेन करे टांगड़ी बाकी। अब तो मान जा रे डाकी। और शब्दों पे ध्यान दे। इस दारू के चक्कर में हमारी जवान जवान बहना विधवा हो जाती हैं। कोई कोई को समय ऐसा सुनने में आई कि कोई बेन की तो आत्मे की मेहंदी भी नहीं निकले, शरीर पे की हल्दी भी नहीं निकलती और वो विधवा हो जाती है। साला जी और जिया जी दो ही गया दारू लेवा तो वही
रही है, ऐसी भी स्थिति हमने सुनी है बहुत सारे वार्षक और पेपर में देखा है। तो कहिएगा उस बहन का क्या होगा जो तेरे साथ जीने मरने की कसम खाई है, उसने जीवन भर साथ तेरे निभाने की कसमें खाई है, अपनों को छोड़ के तुझे अपनाया है और अपने एक सिसी में चलता हुई गया। इसलिए दुर्भाग्य कहिएगा मेरे युवा भाई, आप ऐसी दारू ना पी पिए और भाईचारे का जीवन जिए। इसलिए दारू की कई चाची मन में, दारू की कई चाची अब तो मान जा रे डाकी मन में, दारू की कई चाची अब मान जा रे डाकी मन में, दारू की कई चाची के हरिलाल गुरुजी के चरणे ए फुड़ावे सारी, दारू की कई चाखी मन में, दारू की कई चाखी अब तो मान जा रे डाकी मन में, दारू की कई चाखी अब तो मान जा रे